और आजमगढ़ के शानदार सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे अभिभावक, हमारे राज्य नागरिक अरे आजमी साहब, परम सम्मानीय हमारे बड़े भैया, छोटे भाई जैसा हमेशा प्यार आपने दिया है श्री अखिलेश यादव जी विधायक मुबारकपुर, और सम्मानित शानदार विधायक और हमारे भैया आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव जी, आदरणीय हमारी बहन विधान परिषद की सदस्य लीलावती कुशवाहा जी, मंच पर बैठी हुई हमारी जितनी संगठन की बहने हैं, मैं बहुत ज्यादा देर तक सबका नाम ले लूंगा। हमारे विधायक जी जयप्रकाश संचय जी, हमारे ऋषि साहब और हमारे विधायक जी आदरणीय उन्नी अंसारी जी, आप सभी का जितने मंच पर बैठे हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण, मैं बिना नाम लिए जल्दी अपना समय खत्म करके और अपने नेताओं को दूंगा, इसलिए आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि जो समय बचेगा अपने नेता को दूंगा। मित्रों, ये समय ऐसा आन पड़ा है कि मैं माननीय अपने सांसद महोदय से और आजमगढ़ की परमान स्वरूप जनता से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं चार दिन बाद आपको आपका दर्शन कर पाया हूं, इसलिए मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं अपने नेताजी से भी बताया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, लखनऊ से उन्हें भी मैंने बताया था, प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था, उन्हें भी मैंने बताया था, माननीय हमारे विधायक जी श्री अखिलेश यादव जी का भी फोन उन्होंने बताया था, डॉक्टर भी दूर दूर लिस्ट बोला है, मैं बता दूंगा तो शायद आप नहीं समझेंगे। मैं कमर में बेल्ट लगा के यहां खड़ा हूं अपने नेता के लिए और इन्हें का आजमगढ़ के मान सम्मान के लिए और धनंजय यादव को सबसे ज्यादा वोटर से जिताने के लिए। तिजलाल यादव किस स्थिति में खड़ा है एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। मित्र, क्या बेल्ट लगाया हूं डॉक्टर? हमने कहा बिल्कुल बेल्ट वेस्ट हो, बिल्कुल नहीं हिलोगे। मैंने 20 साल का रद्द कर दिया, लेकिन जब आजमगढ़ में हमारे महबूब नेता गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, किसानों की आवाज संसद में बाप जैसा छाती फुला करके अपने लोगों की बात करने वाले ऐसे शानदार सांसद के लिए अगर तिरलाल यादव को दोबारा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो भी मंजूर है, लेकिन आजमगढ़ में तिरलाल यादव ऐसा नहीं हो सकता कि अपने ऊपरी पद न कराए और यहां न आए। हम आपसे एक बात कहने के लिए आए हैं, पहले भी चुनाव में कभी कभी कहीं कहीं कहूंगा, आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, उठा करके कुछ भी लोग डाल देते हैं। एक मेरा 12 साल का बेटा है, 11 साल का है, वो भी दौड़ रहा है, कल परसों से आया हॉस्टल से, उसको पता नहीं है, वो तो पढ़ता है वहां नैनीताल, उसको पता नहीं है पार्टी क्या होती है, तो किसी ने पोस्ट डाला कि आपका बेटा तो घूम रहा है, कल बेटा नैनीताल पढ़ता है। बाप से मिले बाप का मन क्या है, और बाप को टटोलने वाला आजमगढ़ के लोगों ने जितना तिजलाल यादव को टटोला है, जाना है, उतना अगर किसी जिले में नहीं जाना है। बस एक निवेदन करने आया हूं, हम जाना थोड़ी हमारे बाप को होंगे निकाल होते थोड़ी तो बिरा भी चाहते ना, खेती कहते भी चाहते हो, याद भर बना दो सबके चाहते थे निवेदन थी लाइन में। अब तो रोजा हम चाहे बेल्ट बनाने के पास, चाहे हमने डॉक्टर से कह दिया कि इंजेक्शन लगाना हो इंजेक्शन लगाओ, मेडिसिन देना हो मेडिसिन दो, लेकिन हम तो अपने ड्यूटी पर लग गए हैं, क्योंकि जब हमारे नेता का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब आदेश हो गया कि मेडिसिन ले आओ जाओ, आजमगढ़ आपका इंतजार कर रहा है, यही सत्य था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का महेंद्र भैया, तो हम चल दिए वहां से। लेकिन एक निवेदन के अनुसार हुई सात बार हर बार वैसे मतलब ना है, आप उनको प्यार है, बस एक निवेदन, एक निवेदन कि साइकिल फिर से आजमगढ़ से कांगड़ा रोड जाएगी। एक बार तेरे हाथ सबको ऊपर उठा,
किसानों के नेता श्री धर्मेंद्र यादव जी को भारी से विजयी बनाया।